हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ रिवीजन की पर्पस से आपको जीके के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको रखने वाला हूँ, उसको आप देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा और ख़ुद को टेस्ट करिए कि आपको वो चीज़ें याद है या नहीं याद है। और कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड, कमर्शियल मैथ्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में मेंशनड है तो आप इस ईबुक के साथ जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद हमें आप स्क्रीनशॉट अपने हमारे जो व्हाट्सएप है हमारा उस पर आप भेज दीजिएगा, देन आपको ये ईबुक प्रोवाइड हो जाएगी। और वही बच्चे इसी बुक को लें जिनके यहाँ पे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। दो मास्टर वीडियोस के थ्रू हम आपको वो सारे के सारे पैटर्न आपकी आंखों के सामने से रूबरू करवा देंगे, समझा देंगे, आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, जिससे आपका आने वाले दिनों में अगर एग्जाम है तो आपको आपके दिमाग से वो चीज़ें आएंगी कि हाँ इसको कैसे टैकल करना है, कैसे क्वेश्चन को देखना है, कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है। ये नहीं लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन आ गया भाई, इसको कैसे करें। आप ऑलरेडी तैयार होंगे, मतलब योद्धा बना के भेजेंगे अगर आपको ये सब्जेक्ट्स मेंशन है अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। डोंट थिंक टू मच, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बाकी आप चीज़ों को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। कोई भी परेशानी आती है व्हाट्सएप पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्य समाज की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की, और थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपको बोरियत भी ना लगे और कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं, जिससे आप अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी देख पाओ अपने टाइम को। दयानंद सरस्वती जी यहाँ पे आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की 1875 में बॉम्बे में। लाला लाजपत राय इनके क्या थे, चेले थे, ठीक है, डिसाइपल थे। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन नेशन अगर आप बात करोगे तो दयानंद सरस्वती जी को ही नाम रिलेट किया जाता है इनका, और मूल शंकर इनका ओरिजिनल नेम था दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो आत्माराम पांडुरंग जी का नाम सामने आता है, तो आत्माराम पांडुरंग जी इनकी अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, इन्होंने स्थापना की, आप याद रख सकते हो कि हम किससे कैसे प्रार्थना करते हैं। जब भी प्रार्थना करो मन से प्रार्थना करो, आत्मा से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, कैसे प्रार्थना करो, आत्मा से। तो आत्मा सभा यहाँ पे आप याद रखना है आपको, आत्माराम पांडुरंग, कैसे आपने की आत्मा से प्रार्थना की, तो प्रार्थना समाज 1867 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये भी किससे रिलेटेड है, आत्माराम पांडुरंग जी से। ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि फादर ऑफ बंगाल प्रोज का चाहे यहाँ पे जिक्र हो या फिर विडो रिमैरिज एक्ट 1856 का जिक्र हो, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम सामने आता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि विडो रिमैरिज एक्ट कब आया था, 1856 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन 1897 किससे रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। रामकृष्ण मठ 1886 किससे रिलेटेड है, स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, 2009 में आया। 21A में क्या है, राइट टू एजुकेशन का जिक्र है, याद रखना है, 21A इज द आर्टिकल। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, 11 यहां पे हम बात करें एलिफेंट प्रोजेक्ट तो 1992 में, अर्थ समिट 1992 रियो डी जनेरियो में हुआ, आईटी एक्ट 2005 में आया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप बार बार सुन रहे होंगे, एनईपी, बीए, एनईपी, बीकॉम, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी का मतलब कब आया, 2020 में आया। आगे बढ़ते हैं, कुछ बैंक का मर्जर हुआ था तो वो बैंक आपके सामने है, सिंडिकेट और कैनेडा बैंक को मिलाया गया था। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो आंध्र प्रदेश कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक का मर्जर हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय महिला और SBI, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय महिला और SBI का मर्जर हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजय देना बैंक और बड़ौदा बैंक, इन तीनों का भी आपस में मर्जर हुआ था। विजय बैंक का नाम है भाई, है ना, विजय बैंक, देना बैंक और बड़ौदा बैंक, विजय देना और बड़ौदा का मर्जर हुआ था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कुछ यहाँ पे आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर रिलेटेड टू स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशंस, पार्ट यहाँ पे पार्ट सी आपका 11, ठीक है, पार्ट की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल की नहीं, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू पंचायत्स, तो आपका ऑप्शन बी 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, पार्ट 9। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश से कौन सा पार्ट रिलेटेड है, ऑप्शन ए 8th पार्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, तब आपका ऑप्शन ए एट्थ आर्टिकल बनेगा, ठीक है, जब संघ की बात करेगा, ठीक है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज नहीं, यहाँ पे आप संघ कर लो, टेरिटरीज ना करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी वन पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में इसका मेंशन किया गया है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी वाली क्लास देख सकते हो, वहाँ पे हमने बता रखा है ये सब चीज़ें, ठीक है, डिटेल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, तो पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। राइट्स और ड्यूटीज भाई अलग अलग हैं, तो याद रखिएगा राइट्स की बात पार्ट थर्ड में की गई है, सिटीजनशिप की बात किसने की गई है, पार्ट पार्ट टू में की गई है। ओके आगे बढ़ते हैं, दैट्स इट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है एज अ पर्पज़ ऑफ रिवीजन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया भाई, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन एक पर्सनल सजेशन ज़रूर है कि यार आपके एंट्रेंस सिलेबस में सब्जेक्ट्स मैंशन हैं इसमें से जो हमने ई बुक में दे रखे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट, आपको मतलब निराशा नहीं होगी, आपको लगेगा कि हाँ आपने इन्वेस्ट किया है, बजाय इसके कि आप सोचो कि स्पेंड किया है, स्पेंड वाली फीलिंग नहीं इन्वेस्ट वाली फीलिंग आएगी। और आपने बाकी जो रिव्यूज़ हैं वो तो देख ही रखे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बाकी आप अगर नए हैं फैमिली में तो फैमिली से जुड़ सकते हैं, अपना प्यार दिखा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा डिवोशन हमारी मेहनत आपको दिख रही है, डेफिनेटली आप एक लाइक करके हमारी क्लास को और शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के बीच में, जिससे उनको भी एक सही राह मिले आने वाले दिनों में, जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी आप शेयर करिए, ताकि उनको भी एक सही राह मिल पाए, ताकि वो भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और सभी क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए, और प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।